ऐसा नहीं होता कि मैं अपने बेटे को कुछ खिला लूँ या अपने भाई को कुछ कर लूँ। तो अब आपको सहारे की भी ज़रूरत है, मदद की भी ज़रूरत। हाँ जी, मैं कर लूँगी, अगर मेरे से कोई मदद करेगा ना, अल्लाह का नेक बंदा, तो मैं शादी करने को भी तैयार हूँ। किराए पे मकान लिया, मतलब उसने गुस्से में ही तलाक दे दी, बिल के गुस्से में मुझे तलाक दे दी। ये नाज़रीन अनोखी वीडियो आपके सामने है कि बिल के गुस्से में बिल ज्यादा आ गया जिसकी वजह से बीवी को तलाक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन के वास्तु। जी नाज़रीन, आज मैं कैसी बहना के पास मौजूद हैं, इनकी स्टोरी अनोखी है। आजकल आपने देखा होगा बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको मैं आगे जाके कुछ बताऊँगा, उस पर आपने ज़रा गौर करना है। इनके साथ हुआ कुछ ऐसे कि 2 साल पहले इनकी जो वालदा थी उनकी वफ़ात हो गई, उसके 1 साल बाद ही इनके वालिद साहब की भी वफ़ात हो गई। इनके जो भाई थे वो माजूर थे, वो वालिद साहब के साथ पहले रहते थे, जब उनकी डेथ हो गई तो अपनी बहन के पास आ गई, क्योंकि और कोई उनका सहारा नहीं था, माजूर थे, कुछ खुद कुछ कर नहीं पाते थे, इसलिए बहन के पास आके रहने लग गए। फिर ऐसे हुआ कि अब 4 महीने पहले इतनी महंगाई हो गई और 20,000 बिल आए, तो इन्होंने एक दफ़ा अपने शोहर से बात की कि मेरे भाई के इलाज का कुछ करें, तो साथ ही बिल आया हुआ था, उन्होंने देखा 20,000 बिल आया है, उस वजह से उन्हें दोनों चीज़ों का गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में तलाक दे दी ने। और अब 4 महीने से ये किराए के मकान में रह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना आलीशान घर बना हुआ है और ये वीडियो बनवा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके जो मालिक मकान है उन्होंने हमें बुलाया है और हमने पूरी तफ्तीश करके इनकी वीडियो बनाई है। अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इनकी मदद करें। कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह अपने काम वालों की वीडियो बनाने की इजाज़त दे देते हैं, अपने घर में इन्होंने बनवाई है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बाकी हम स्टोरी जानते हैं इन्हीं बहन की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहना, जो आपकी सारी स्टोरी है एक दफ़ा दोबारा से बहन भाइयों को बता दें, कैमरे की तरफ देख। मेरी अम्मी को 2 साल हो गए हैं फोत हुए को, उसके बाद साल बाद मेरी अबू फोत हो गए हैं, तो उसके 4 साल बाद मतलब के मुझे तलाक हो गई थी। 4 महीने पहले मुझे तलाक हो गई थी, तो इस वजह उसने तलाक क्यों दी थी, मेरा मियाँ बैठा हुआ था, तो बिल मैंने दिखाया उसको, तो उसने बिल देखा है तो कहता है इतना ज़्यादा बिल, कितना आया? 20,000 रुपये बिल आ गया था। तो मैंने उसको साथ ही बोल दिया थोड़ी देर बाद के, मेरे भाई का भी खर्चा उठा लो, मजदूर है तो उसका क्या हो जाएगा, दवाइयाँ ले दोगे तो आपका क्या जाएगा। उसने सोचा कि इसको मैं इसका भी खर्चा उठाऊं, इसके भाई का भी उठाऊं, तो तुम ना मुझसे तलाक ही लो तो अपने घर जाके बैठो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना आप किराए पे मकान लिया, मतलब उसने गुस्से में ही तलाक दे दी, बिल के गुस्से में बिल के गुस्से में मुझे तलाक दे दी। ये नाज़रीन अनोखी वीडियो आपके सामने है कि बिल के गुस्से में बिल ज़्यादा आ गया जिसकी वजह से बीवी को तलाक दे। तो मैं अब मकान किराए पे रहती हूँ, तो 2 माह हो गए हैं कि मेरे से किराया भी नहीं दिया जा रहा, मैं इतनी परेशान हूँ, राशन भी नहीं है कि मैं अपने कि अपना घर का कुछ खा लूँ। मैं काम करती 3-4 घरों में, उनसे थोड़ा बहुत मुझे मिल जाता है तो मैं अपना कर लेती हूँ, अपने दोनों बेटे को और भाई को मैं खिला देती हूँ खुद। बेटा कितने साल? बेटा मेरा 2.25 साल का है, तो मैं उसको खिला देती हूँ भाई को, तो मैं भाई का खर्चा कैसे उठाऊँ, मजदूर है बेचारा, उसकी दवाइयाँ लूँ कि घर का किराया दूँ, क्या करूँ, 11,000 मेरा किराया है, तो 20,000 मुझे बिल आ गया, तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताएं आप। अच्छा, ये जो बहन भाई देख रहे हैं इन्हें ज़रा ये क्लियर करती चलें कि ये घर किसका है। ये घर मेरी जिधर मैं काम करने जाती हूँ उनका घर है, ये बहुत बड़ा उनका घर है, माला मकान है उनका घर है, मतलब कि उनके घर में मैं काम करती हूँ। तो देखें आपकी मेहरबानी है, मेरे तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा, ना मेरे अब्बू हैं जो मेरे पहले अब्बू सास कर लेते थे, अम्मी कर लेती थी, अब तो मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर कि मेरा सास किया जाए। ये वालदैन के जाने के बाद ये हालात खराब? हाँ जी, इस तरह ही है। मैं पहले बहुत खुश रहती थी, जब मेरी अम्मी जिंदा थी, मेरे अबू जिंदा थे ना, तो तब मैं बड़ी ठीक रहती थी, तो अब मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं क्या करूँ, मैं किधर चले जाऊँ, मुझे बताएं। अच्छा, जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं आपके मालिक मकान भी हैं, काम भी आप इधर करते हैं? हाँ, इधर काम भी इधर ही करती हूँ, ये मेरे मालिक मकान है ये, तो मैं काम भी इधर ही करती हूँ इनके पास ही, तो बेटे को घर छोड़ आती हूँ, वो तो भाई आगे मजदूर है, तो वो उससे चला भी नहीं जाता कि मैं इसको पकड़ लूँ, भागता है, ऐसा करता है, इतनी मुश्किल से मैं लोगों के घर में काम करने जाती हूँ, मैं खुद 2 दिन हो गए मैं भूखी बैठी हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, उसकी भाइयों भाई को और अपने बेटे को खिला देती हूँ। चलें बहन, हौसला करिए नाज़रीन, इनके आंसू आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह रो रही हैं, तड़प रही हैं। बिल के गुस्से में आके शोहर ने तलाक दे दी, भाई का खर्चा भी नहीं उठाया, उन्हें सोचा कि इसका भी खर्चा उठाऊं, इसके भाई का भी खर्चा उठाऊं।
हटाऊं, ये बिल भी जो है दूं, तो इस गुस्से में उन्होंने इसे तलाक दे दी। तो ये आप देख सकते हैं, अब मालिक मकान यहाँ काम भी करती हैं, इनको किराया भी देती हैं, मतलब कि काम करके जो ये पैसे इनके पास आते हैं वही किराए में चले जाते हैं। और जो बिजली का बिल, बिजली का बिल मुझसे दिए नहीं, अभी किराया नहीं मैंने दिया, तो मैं बिजली का बिल कहाँ से दूंगी। अच्छा, किराया भी नहीं दिया? नहीं, दो मतलब वो सारा कुछ खाने पीने में जिस तरह ही है। दो माह हो गई है, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं किराया दूँ कि मैं बिल दूँ। भाई साथ रहते हैं? बिल्कुल हाँ जी, पहले अब्बू के पास रहता था, फिर साल मेरे पास रहा है, तो इसी तरह मैं उसको बस ले लेके फिरती रही हूँ। तो मेरे पास इतना नहीं होता था, मैं क्या करती। तो अब ये मुझे बताती चलें कि जो बहन भाई देख रहे हैं सामने कैमरे में, इनके सामने क्या अपील करना चाहेंगी कि किस हद तक ये आपकी मदद करें? मेरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो मेरे अल्लाह का बंदा मेरी मदद करेगा, मैं उससे शादी करने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये मगर है कि मेरी मदद की जाए। मैं दो माह से बहुत परेशान हूँ, तो मेरी अम्मी नहीं है, मुझे बहुत होता है कि मेरी अम्मी होती तो मेरा सारा कुछ कर देती। तो नाज़रीन सुना आपने इनकी ज़ुबानी, अब जो सबसे ज़रूरी काम है वो इनकी मदद है, क्योंकि इनका जो बेटा है 2.25 साल का बेटा है और वो भूखा होता है। तो आपने मुझे बताया कि जब वो फाके उसने काटे, छोटा सा है अभी, छोटा सा 2 साल का, तो जब उसने फाके काटे तो एक माँ होने की हैसियत से आपके दिल पे क्या गुजरी? मेरे तो मैं कहती थी कि मैं मर जाऊँ, मुझे कुछ हो जाए मैं मर जाऊँ, बस ये बच्चा मेरा किधर जाएगा। ये आंटी इतनी अच्छी हैं कि ये दे देती हैं तो उसको मैं खिला देती हूँ जाके बेचारे को। इतना नहीं होता कि मैं अपने बेटे को कुछ खिला लूँ या अपने भाई को कुछ कर लूँ। तो अब आपको सहारे की भी ज़रूरत है, मदद की भी ज़रूरत? हाँ जी, मैं कर लूँगी, अगर मेरे से कोई मदद करेगा ना, अल्लाह का नेक बनता, तो मैं शादी करने को भी तैयार हूँ। नाज़रीन आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, और अगर कोई शादी का भी ख्वाहिशमंद है तो आप इनसे रابطہ करके डायरेक्ट इनसे व्हाट्सएप पर रابطہ कर सकते हैं और आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी काम है पहले इनकी मदद है, ताकि कुछ इनके हालात बेहतर हो सकें, उसके बाद जो भी इन्होंने स्टेप उठाना होगा वो ये देख के समझ के उठाएँगी। और आप देख सकते हैं कि जो वालिद साहब हैं उनकी भी डेथ हो गई है, भाई भी मज़ूर है, तो आपके सामने के किसी मर्द का सहारा नहीं है, एक भाई है वो भी माजूर है। आप लोगों ने बेफजूल इन्हें काले नहीं करनी, इन्हें तंग नहीं करना, ये आप सब भाइयों से अपील है, क्योंकि हर किसी के घर में माँ बहन होती है। हमें देख के खुद शर्म करनी चाहिए कि किस तरह हम दूसरों की माँ बहनों को तंग कर रहे हैं, कल को हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है। आपने अब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। और इसके साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, या अगर आप हमारी NGO में मुस्तहिक हकदार लोगों के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, तो नीचे आपको हमारा नंबर शो रहा है, इस पर आप रابطہ कर सकते हैं। आप हमारे ज़रिए भी इनकी मदद कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे दोनों नंबर दिए गए हैं, जो 0309 वाला है वो हमारा नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो इनका है। और अब आप मुझे ये बताती चलें कि जाते जाते बहन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मेरी मदद भी की जाए। देखो, मैंने अपने भाई का भी खर्चा करना है, मैं कैसे उठाऊँ अपने भाई का भी खर्चा? मैं कमाऊंगी, मतलब आप देंगे तो मैं अपने भाई का भी खर्चा कर सकूंगी ना, तो आपकी बहुत मेहरबानी है, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि आप मेरी मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। और बेटा तो अभी आपका छोटा है, स्कूल तो वो नहीं जा रहा? सारी बात है, उसने भी स्कूल कल को जाना है ना, तो भी उसके लिए भी तो खर्चा ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? तो आपके आगे मैं मेहरबानी बहुत ज़्यादा करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी मदद की जाए बहुत ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो नाज़रीन इन्हें सहारे की भी ज़रूरत है, लेकिन अभी इन्हें मदद की भी ज़रूरत है। आपने अब इनकी पहले मदद करनी है, उसके बाद ये कुछ स्टेप उठाएंगी सहारे के लिए, अपने देखेंगी कोई अगर इन्हें अच्छा लगा, इसकी मदद की, मुकम्मल तौर पे इनके साथ चला, इन्हें उन पर ट्रस्ट हुआ, तो ये ज़रूर ज़रूर शादी करेंगी, क्योंकि इन्हें भी सहारे की ज़रूरत है। और इसी के साथ मुझे और बहना को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इनकी मदद होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।